शांति। आज की तारीख है 20/3/23 और आज तो अपने मीठे मीठे अति प्रिय बाबा से अव्यक्त मिलन होने जाएगा, तो हम सभी आज मंगल मिलन भी मनाएंगे। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे। किसने कहा? मीठे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे। सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। प्रश्न है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई भी करा नहीं सकता? उत्तर है, मनुष्यों की चाहना रहती। हाँ, हर मनुष्य कुछ न कुछ तो चाहता ही है, तो मनुष्यों की चाहना रहती है कि हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति धाम में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई भी करा न सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उन्हें रास्ता दिखाना है। गीत बजा है इंसाफ की डगर पर, बच्चों चल के दिखाओ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार के दो शिक्षा प्रद मधुर महावाक्य। नंबर एक, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं, और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और फिर पढ़ाई भी पढ़नी है। नंबर दो, रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हरेक को बाप से दिलाना है। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का कि रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि हरेक बच्चे में किसी ना किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष हैं, सभी गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो ये रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा खुशी सदा श्रेष्ठ सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।